प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर है खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर मुस्लिम धर्म गुरुओं का गुस्सा फूट पड़ा है और वो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप है कि उन्होंने मौला अली पर टिप्पणी की, जिसके बाद लखनऊ में शिया धर्म गुरु धीरेन्द्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि उनके बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा है वो आपको सुनाएंगे, मगर पहले आपको बता दें कि शिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास नकवी और अन्य धर्म गुरु धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ थाने में शिकायत लेकर पहुंचे और क्या कुछ कहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने को बाबा कहता है, हालांकि हमारे हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं और जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उन्होंने उसको पाखंडी कहा है। उसने कुछ रोज़ पहले तमाम दुनिया के इंसानों की आस्था को ठेस पहुँचाई है हज़रत अली की शान में गुस्ताखी करके। हज़रत अली की ज़ात के लिए मैं ये बता दूं आपसे कि हज़रत अली कौन हैं। वो इस्लाम के वो अहम रुकन हैं कि अगर उनको इस्लाम से हटाइए तो इस्लाम में कुछ नहीं रहता है। उनका सम्मान हमारे मुरारी बापू करते हैं, जब अपने प्रवचन शुरू करते हैं तो अली अली मौला कहते हैं। ये हैं हज़रत अली, इतनी बड़े बड़े हिंदू कितना उनका सम्मान करते हैं ये आपको सब मिल जाएगा। तो उनकी शान में उसने गुस्ताखी की, तो मैं आज यहाँ चौक कोतवाली आया था और मैंने तहरीर दी है। चूँकि हमारे मुल्क में संविधान है और मुल्क के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म की मानने वाले की आस्था को ठेस पहुँचाता है तो 153A और 295A ये दो धाराएं ऐसी हैं जिसके ऊपर मुकदमा होता है। मैंने उन धाराओं के तहत मुकदमा करने की डिमांड की है, हमारी तहरीर को ले लिया गया है और कहा गया इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने रिसीविंग ले ली है, चूँकि बहरहाल आज अलविदा है, रिसीविंग ले ली है और रिसीविंग लेकर अब यहाँ से जा रहे हैं। अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती, तो फिर आगे के ऑप्शन हमारे लिए खुले हुए हैं, सारे रास्ते हमारे लिए ओपन रहेंगे, चूँकि हमने जो एविडेंस थे वो भी दे दिए। और धीरेन्द्र शास्त्री ने अली वलीउल्लाह कहने वाले धर्मगुरुओं को चैलेंज किया था, तो अलीन वलीउल्लाह कहने वाला एक बच्चा धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री 5 सवाल के जवाब उनके सामने सवाल रख दिए जाएं तो जवाब नहीं दे पाएंगे, बाबागिरी उनकी छुड़वा देंगे। वो बच्चा 5 सवालों के जवाब, ये वो बच्चा चैलेंज कर रहा है और मैं भी कहता हूँ कि उस बच्चे का जवाब नहीं दे सके। वही धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि वो सभी धर्मों के भगवान का सम्मान करते हैं, किसी का दिल दुखा हो तो वो क्षमा प्रार्थी है। तो ये जो मौला अली वाली बच्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न में कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है, और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी है। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा, जो चूंकि दुष्प्रचार है, और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए, उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा, वो तो अहिंसा के पुजारी है। एक जिन्न कोई नाम रख लेता, जिन्न में फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, एक उस बुरी ताकत के खिलाफ जो बुरी शक्ति थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आई थी किसी के बॉडी पर, वह चर्चा कर रही थी, तब हमने कहा। मगर कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के क्षमा मांगने से
कुछ नहीं होगा। शिया समुदाय के धर्म गुरु खुश नहीं है। माना जा रहा है कि आगे धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।